जज्बा बहुत है, गजब की ऊर्जा है, लेकिन कोई भड़कने वाला नहीं है। और इतना तो सबका एजुकेशन आपकी सारी टीम ने और यहाँ के सारे आंदोलनकारी साथियों ने, किसान संगठनों ने कर दिया है कि भड़काने की कोशिश होगी तो वो सरकार की ओर से होगी। हमको संयम बरतना है और अहिंसक रूप से ही अपनी बात रखनी है, अहिंसक रूप से ही परेड रखना है। ये जज्बा पूरे लोगों में है, लाखों लोगों तक ये मैसेज जा चुका है कि गड़बड़ करना सरकार चाहती है और सरकार के साथ साथ मीडिया के कुछ कैमरे लगे ही है कि कहीं से गड़बड़ हो, लेकिन किसान किसी कीमत पर गड़बड़ नहीं करेगा, यूथ तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये मेरा दिल कहता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अम्बेडकर, आज हूँ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर। यहाँ पर कल के प्रजासत्ताक दिन की तैयारी यहाँ पर चल रही है और मैं जा रहा हूँ सिंघू बॉर्डर, और फिर जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कल के जो परेड्स होने वाले हैं उसकी तैयारियाँ यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल यहाँ पर प्रजासत्ताक दिन के लिए सभी पार्टियों के नेतागण आएंगे, अलग अलग राज्यों की झांकियां यहाँ से यही इसी रास्ते से गुजरेंगी, सभी लोग बगल में बैठे हुए होंगे। लेकिन असली प्रजासत्ताक अगर किसी को देखना है तो वो सिंघू बॉर्डर पर देखने मिलेगा, वो गाजीपुर बॉर्डर पर देखने मिलेगा। और दरअसल भाग्य, और इसके तो हम मानते नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश, मेरे पास उसका अल्टरनेट वर्ड नहीं है इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दुर्भाग्यवश जो प्रजासत्ताक बचाने का आंदोलन है या जो प्रजासत्ताक बचाने का जो मूवमेंट है वो कोई टीवी या कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन जितना भी हम लोग शूट कर पाते हैं, शूट कर पाएंगे उतनी भीड़ों में। कल हम भी ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली पे हम लोग जाएंगे सिंघू बॉर्डर पे, और सही मायने में प्रजासत्ताक दिन क्या होता है वो कल वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सिर्फ प्रजासत्ताक दिन देखने को नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए लोग इकट्ठा होने वाले 25 लाख लोग ये सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर बैठे हुए हैं। ये लोग अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कल जो रैली निकलेगी ये सही मायने में प्रजासत्ताक दिन की रैली होगी। तो उस रैली में भी हम लोग कल शामिल होंगे, जितना शूट कर पाए उतना कर पाएंगे, आप लोगों को उससे रूबरू करेंगे। और सही मायने में देश के प्रजासत्ताक दिन में कल मैं शामिल होने जा रहा हूं, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जो यूपी में है, हरियाणा में है, दिल्ली के लोग हैं, या मैंने देखा है कि महाराष्ट्र से कई सारे लोग आज यहां पर दाखिल हो रहे हैं, तो ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की रैली में आप कल सभी लोग वहां पर पहुंचिए। मैं गाजीपुर बॉर्डर से वहां से ज्वाइन हो रहा हूं, सिंघू बॉर्डर में आज जाके किसानों के आंदोलन में शामिल हो रहा हूं। अब मैं असली प्रजातंत्र और असली लोकतंत्र को बचाने की तैयारी आप लोगों को दिखा रहा हूं। देश भर से लोग यहां पर कल की रैली के लिए यहां आ रहे हैं, मैं भी खुद मुंबई से चलकर यहां पर एक दिन पहले आया हूं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में जाकर वहां पे शरीक होऊंगा, कल गाजीपुर से इसी रैली में हम लोग शामिल होंगे। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि राजपथ पर जो रैलियां होंगी, झांकियां होंगी, सही मायने में देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने की रैली अगर कहीं होगी तो वो सिंघू बॉर्डर पर होगी, वो गाजीपुर बॉर्डर पे होगी। और सिर्फ देश का किसान ही नहीं, देश के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलने वाला है। और इस देश का किसान अब जाग गया है, देश के लोगों को भी जागना चाहिए, चाहे वो महिला हो, विद्यार्थी हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, इन सभी लोगों को कल के इस रैली को सपोर्ट करना चाहिए। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते, देश के लोगों को इन लोगों के साथ, देश के साथ, लोकतंत्र के साथ शामिल होना चाहिए, यही मैं आप लोगों को आज यहाँ से निवेदन देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग कल रैली में आए, जो लोग हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, ज्यादा से ज्यादा लोग कल इस रैली में शामिल हो, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।